हाय गाइज, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने प्रीति स्पेशल रेसिपी में। तो गाइज, आज हम बनाएंगे व्रत के लिए आलू, जो बहुत ही टेस्टी और जो सभी को पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार होगा। तो हमने आलू उबाल कर कट कर लिया है, और ये दो लाल टमाटर, हरी धनिया और तीन मिर्च कट कर लिया है, और ये 50 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हुए हैं। तो अब हम गैस में कढ़ाही चढ़ा देंगे। तो हमारी कढ़ाही गर्म हो चुकी है, तो इसमें हमने डाल दिया है देसी घी। तो सबसे पहले हम मूंगफली के दाने को तल लेंगे। हम मूंगफली के दाने को हल्की आंच में भूनेंगे, नहीं तो हमारे दाने जल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे दाने पक चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। जो कढ़ाही में घी पड़ा है उसी में अब हम डाल देंगे जीरा। तो जीरा हमारा चटकने लगा है, अब इसमें हमने डाल दिया है हरी मिर्च। तो थोड़ा सा हरी मिर्च को पकाएंगे और हम डाल देंगे आलू। आलू को भूनते समय हम गैस को लो फ्लेम में कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे हल्की आंच में। और आलू को भूनते समय हमने डाल दिया है सेंधा नमक, जो व्रत में खाया जाता है। तो आलू हमारे अच्छे से भून चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर, और टमाटर को भी तो टमाटर हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 गिलास पानी, और इसे हम चलाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा आलू उबलने लगा है, और अब हम गैस को धीमा कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे हम हल्की आंच में पकाएंगे। तो अब हम आलू को ढक देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम चेक करते हैं अपने आलू को। तो आप देख सकते हैं हमारा आलू कुछ इस तरह का बना हुआ है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी धनिया की पत्तियाँ, और हम इसे मिक्स कर देंगे। और अब हम डाल देंगे कुछ मूंगफली के दाने। तो हमारा आलू बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम गर्मा गर्म परोसेंगे, और ऊपर से हम डालेंगे कुछ हरी धनिया की पत्तियाँ और कुछ मूंगफली के दाने। और आप अलग से साथ में नींबू भी ले सकते हैं, हरा मिर्च भी, जिसे जो पसंद हो। तो हमारा आलू बनकर तैयार हो गया है, जो बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। आप भी बनाइए। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।